हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पे, जो कि होगी 100 के आसपास वाले नंबर की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। तो ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, 98 इंटू 96 करना हो तो 98 मल्टीप्लाई बाय 96 करना हो तो इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये नंबर 100 से कितना कम है, कम है या ज्यादा है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ये 100 से कम है, कितना कम है, -2 कम है, एंड ये कितना कम है, -4 कम है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप जो हमारा करना है, मतलब मेन प्रोसेस जो है वो अब से शुरू होता है। हमको क्या करना है, क्रॉस में इसको माइनस करना है। या तो 94 में से 4 माइनस करें, 98 में से 4 माइनस करें, या 96 में से 2 माइनस करें। आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, हम दोनों में से करके देख लेते हैं। देखिए, 96 में से 2 गया तो हमारे पास बचेगा 94, हमको इसको एज इट इज लिखना है। 98 में से भी अगर आप 4 ये क्रॉस में माइनस करना, 98 में से 4 माइनस करेंगे तो भी बचेगा 94। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इसमें से लेस करके एज इट इज लिख देना है। अब जो करना है हमको, ये जो दो डिजिट चाहिए 100 में जितना कम है, इनको मल्टीप्लाई करके उसमें लिख देना है। तो 4 2 8, तो 8 जो है हमको हमेशा टू डिजिट में लिखना है, तो 08 लिखेंगे। तो ये हुआ इसका आंसर, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसमें जो है 100 को बेस मान के करा है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड कि ये ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नंबर बड़ा हो, अगर 100 से बड़ा हो तो क्या करें। उसके लिए हम नंबर लेते हैं 102 इंटू 104। 102 एंड 104 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपके बेनिफिट के लिए एक चीज बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम क्विकर मैक्स है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, मैंने ट्राई करी है, ये मैक्स की बेस्ट ऐप है। इसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर क्विकर मैक्स टाइप करें और इसे इंस्टॉल करें। यह पूरी तरह फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसे ओपन करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको पजल, टॉपिक वाइज क्विज, बेस्ट बुक फॉर एग्ज़ाम और भी कई चीज़ें मिलेगी। मैक्स ट्रिक्स में क्लिक करके आप इसमें टॉपिक वाइज ट्रिक्स, मोस्ट पॉपुलर ट्रिक्स, लेटेस्ट अपलोड ट्रिक्स मिलेगी, और आप इस पर क्लिक करके यूट्यूब की बेस्ट मैक्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है 102 इंटू 104। अब हमको क्या देखना है कि ये नंबर बड़ा है, यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगाया था क्योंकि ये छोटा था, ये बड़ा है तो हम इसको लिखेंगे +2 है, और ये जो है ये है +4 है, ठीक है। तो प्लस करेंगे, 104 में +2 करेंगे तो बचेगा 106, 102 में +4 करेंगे तो भी 106 ही आएगा, आप कोई सा भी ऐड करके देख लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस करना है। नेक्स्ट वो स्टेप 4 2 8, तो ये हो जाएगा 10608, इसका राइट आंसर है, ठीक है। हम इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेके देख लेते हैं इस बार। तो एक और जो क्वेश्चन अपन लेते हैं वो लेते हैं 108, और एक कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 112 ले लेते हैं अपन। इन दो को मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये देखिए ये 100 से कितना बड़ा है, ये 100 से बड़ा है 8 प्लस 8, और ये जो है ये 100 से बड़ा है +12। अब आप क्रॉस में इसको, यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए आप प्लस करेंगे, तो 108 प्लस 12, ये आ गया 120 आंसर। 1012 प्लस 8 करेंगे तो भी 120 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमको करना होता है वो करना होता है 8 इंटू 12, तो ये जो होता है अपना ये आएगा 96, 8 12 96, टू डिजिट में है तो 96 एज इट इज लिख देंगे। अब क्या जीरो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमको ये डिजिट दो डिजिट में लिखना है, तो यहां पर भी दो डिजिट में बना था, यहां पर भी। तो ये हुआ इसका मेथड कि कैसे सॉल्व करना है। अब एक डाउट आपके दिमाग में उठेगा कि अगर एक नंबर बड़ा और एक छोटा आ जाए तो क्या करना है हमको, वो भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा मेथड चेंज है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसका, कोई सा ले लेते हैं, इन दोनों में से ले लेते हैं, तो 104 एंड 98 ले लेते हैं। अब जब इनको मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो ये 100 से कितना बड़ा है, ये बड़ा है +4, और ये जो है छोटा है -2, ठीक है। यहां तक समझ आया, यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं अपन। क्रॉस में जब प्लस या माइनस करते हैं तो साइन देख के करते हैं, तो 104 -2 तो आता है 102,
ठीक है, 108 में प्लस 4 करेंगे तो भी 102 ही आएगा, यानी ये फर्स्ट स्टेप अपना हुआ क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे 4 2 8, लेकिन माइनस प्लस माइनस 8 आएगा, तो हम क्या करते हैं, जब एक डिजिट छोटा 100 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 लगा के और इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका प्रोडक्ट माइनस कर देंगे। तो 4 2 8 को यहाँ पे अपन माइनस 8 कर देंगे, तो उससे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 29101। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो ये थे वो नंबर जो 100 के आसपास होते हैं और उनसे मल्टीप्लाई करना काफी आसान होता है। तो आज की वीडियो में यही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप इसको #SuccessTricks96 नाम से भी सर्च कर सकते हैं।